दूसरी शादी आदि की शादी के लिए उसके मम्मी पापा रिया के घर जाते हैं। अरे कैसे कर दे शादी साहब? आपका बेटा तो अभी कुछ करता ही नहीं है सुना है आगे पढ़ाई करने के लिए शहर भी जा रहा है तभी तो भाई साहब हम चाहते हैं कि शहर जाने से पहले इसकी शादी कर दे और कमाने का क्या है हर कोई तो पढ़ लेकर कमाता ही है हाँ हाँ और गांव का सबसे बड़ा मकान और समृद्ध परिवार से है आदि मुझे तो समझ में ही नहीं आता इतनी जल्दी शादी रिया भी अभी पढ़ रही है इतनी अच्छी है वो पढ़ाई लिखाई में कैसे शादी कर दू आप लोग थोड़ा समय दे आदि के माता पिता घर चले जाते हैं जहाँ आदि के पिता कहते हैं अरे भाग्यवान मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तू क्यों इतनी जल्दी आदि की शादी करवाना चाहती है पढ़ लिख कर कमाई धमाई करने लायक हो जाए तो फिर कर देना शादी अरे आप चुप रहिए रिया जैसी लड़कियों के लिए शादी के रिश्तों की कमी है क्या इतनी सुंदर संस्कारी पढ़ी लिखी और अच्छी परवरिश वाली लड़की है वो मैं तो छोड़ ही नहीं सकती ये रिश्ता किसी भी कीमत में बता दे रही हूँ रिया की शादी आदि से ना कराई ना तो मैं जहर खाकर जान दे दूंगी पूरे गांव में नाम है उन लोगों का नौकर चाकर कितने लगे हैं उनके घर में अरे मेरी बेटी तो राज करेगी राज और इस तरह ना चाहते हुए भी रिया की शादी आदि से हो जाती है अरे बेटी ये ले तेरी किताबें। पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़ना तू तो मेरी गर्व करने वाली बहू है बड़ा नाम है तेरा गांव में <laughs> हाँ आखिर पसंद किसने किया है रिया को आदि के लिए आदि को गांव की रिया इतनी पसंद नहीं होती है अरे यार तू तो बड़ा लक्की निकला रिया जैसी लड़की से तेरी शादी हो गई अरे लक्की की क्या बात है वो भी तो मेरे जैसे लड़के की बीवी बनकर किस्मत वाली बनी है ना अरे अब तो तू रह नहीं दे ना तो तू कमाता है ना ही पढ़ने में अच्छा है क्या है तुझमें बस पैसा और वो भी का। <laughs> आदि को दोस्तों की बात पर बहुत गुस्सा आता है पिताजी मैं शहर जाना चाहता हूं आगे की पढ़ाई के लिए अरे बेटा लेकिन यहाँ की पढ़ाई तो पहले पूरी हो जाए नहीं नहीं अब मैं किसी भी हालत में शहर में ही रहकर पढ़ाई करूंगा रिया को आदि का यह व्यवहार अजीब लगता है कि अचानक नई शादी के बाद आदि ऐसा क्यों बोल रहा है खैर आदि पढ़ाई के लिए शहर चला जाता है और रिया गांव में रहकर सास ससुर की सेवा करती और बचे वक्त में पढ़ाई अरे देखो दमाद जी तो शहर चले गए हमारी बेटी बेचारी अकेली रह गई उसे कुछ दिनों के लिए यहीं बुला लाओ ना रिया की माँ रिया के ससुराल उसे लेने जाती है कि उसके सास ससुर कहते हैं अरे नहीं नहीं बहन जी हमारा मन तो रिया के बिना नहीं लगेगा हाँ माँ इनको तो शहर जाना ही था पढ़ाई के लिए बस थोड़ा पहले चले गए माँ खाली हाथ वापस आ जाती है आदि शहर में मन लगाकर पढ़ाई करता है और इंजीनियरिंग के लिए दाखिला ले लेता है तो वहीं रिया भी एमए की पढ़ाई में प्रवेश लेकर समाज सेवा में मन लगाती है, तुझे देख कर लगता है कि मैंने तेरे साथ ठीक नहीं किया बेटी शादी तो करवा दी लेकिन पति का साथ नहीं मिला अरे तो क्या हुआ जैसे मैं अपने माँ पापा के साथ थी वैसे अब आप दोनों तो के साथ है ना? सास खुश हो जाती है अरे सुनो बहु आदि लौट रहा है शहर से वो कल आ जाएगा तुम लोग तैयारी कर लो रिया ये सुनकर खुश हो जाती है वो सोच लेती है कि अब वो कुछ दिनों तक आदि के साथ क्वालिटी टाइम बिताएगी लेकिन जब आदि घर आता है तो उसके साथ होती है एक शहर की लड़की जो जींस और टॉप में होती है ये मेरी दोस्त है मेरे साथ रहेगी आदि उसे अपने मम्मी पापा से मिलवाता है लेकिन रिया से नहीं रिया सबके लिए खाना लगाती है अरे ये नौकरानी कितनी सुंदर है खाना भी अच्छा बनाया है अरे नहीं नहीं ये नौकरानी नहीं मेरी बहू यानी आदि की बीवी है ये सुनकर लड़की शांत हो जाती है और आदि की तरफ देखने लगती है फिर वहां से चली जाती है अरे माँ क्या जरूरत थी घर की कहानी बताने की देखा अब वो बुरा मान गई ना वैसे भी मैं आप लोगों को बता देता हूं मुझे रिया के साथ नहीं रहना मैं शिवानी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा मैं रिया को छोड़ रहा हूं आदि ये बोलकर उस लड़की के साथ शहर चला जाता है रिया ये सब देख रोने लगती है अपने कमरे में चली जाती है जहां सास ससुर उसके पीछे आते हैं हमें माफ कर दे बेटा वो दोनों उसके सामने हाथ जोड़ते हैं आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये तो मेरी किस्मत थी पर अब मैंने सोचा है कि मैं भी आगे पढ़ाई करके आगे बढ़ूंगी रिया पढ़ाई लिखाई करके पूरे जिले की कलेक्टर बनती है आदि उसे छोड़कर शिवानी से शहर में ही शादी कर लेता है फिर एक दिन रिया के ससुराल में अरे बेटी रिया तुझसे मिलने कोई आया है कौन है माँ हमें आपकी बहू के बारे में सब पता है मैं आप लोगों से अपने बेटे के लिए आपकी बहू का हाथ मांगने आई हूँ रिया के सास ससुर और माता पिता ने मिलकर ये फैसला किया था कि वो रिया की शादी करवा देंगे पूरे जिले में नाम कमा चुकी रिया की शादी उससे भी बड़े अहदे के सिर से हो रही होती है कि शादी वाले दिन आदि भी वहां आ जाता है अरे माँ ये क्या हो रहा है तेरी हिम्मत कैसे हुई घर में घुसने की पूरे गांव में हम लोगों की नाक कटा अकेला छोड़ गया था एक लड़की के लिए अब क्या लेने आया है माँ वो लड़की ठीक नहीं निकली उसने मुझे धोखा दे दिया माँ मैं रिया की कीमत समझ चुका हूँ अरे इतने बड़े जिले की कलेक्टर है वो मैं यहाँ नहीं था फिर भी उसने आप लोगों का पूरा ध्यान रखा बहुत लेट हो चुका है बेटा रिया आज अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है अब उसे भी जीने का हक हाँ है वो तेरी सुविधा से जिंदगी नहीं जी सकती तूने तो हीरा खो दिया बेटा